ऐसा लगता है कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाने में लगी हुई है। हाल ही में उनका जो हेमंत करकरे को लेकर बयान सामने आया है, उसकी वजह से भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस बयान से किनारा करते हुए यह कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। कुल मिलाकर इस बयान के बाद प्रज्ञा ठाकुर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वे बयानबाजी करते समय यह भी नहीं देख रही कि वे बोल क्या रही हैं। उन्होंने आतंकियों के हमले से शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में जो बयान दिया है वह बेहद अपरिपक्व है और द्वेष से भरा हुआ है। हेमंत करकरे शहीद हुए थे और उनकी शहादत को लेकर प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिया गया बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद डैमेजिंग साबित हो रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर प्रज्ञा ठाकुर द्वारा अपना यह बयान वापस लेने की बात कही गई। देखने वाली बात यह होगी कि प्रज्ञा ठाकुर ने अपना बयान तो वापस ले लिया है, लेकिन आने वाले समय में वे क्या इसी तरह के बयान देती रहेंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।